डिप्रेशन तुम्हारी वजह से नहीं है, उसने सुसाइड तुम्हारी वजह से की है, अपनी जान तुम्हारी वजह से ली है, आपकी वजह से भी तो हो सकता है। अच्छा महरीन, किस किस को महरीन का किरदार पसंद आया? मुझे नहीं। क्यों नहीं आया? क्या वजह ऐसी क्या हुई थी? देखिए, क्यों ये किरदार दिल में नहीं उतरा? इतना मजलूम, इतना उस पे जुल्म हो रहा है, उसके बावजूद भी उसके साथ मेरा दिल नहीं लगा। क्योंकि उसके अल्फाज अच्छे नहीं है। क्यों क्यों दनी ना, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी वजह हो गई? राइटर ने क्या गलतियां की? सबसे ज्यादा जो बेहुदा बात इसमें लगी है, बोंगी बात ये कि उसने तो कत्ल किया ही नहीं था, ठीक है ना? उसने तो नहीं मारा था ना मुझे। तो ऐसा विजन्स में से आ रही है, पर खौफ क्यों हो रही है? इतना खौफ, इतना रिग्रेट और इतना ज्यादा जो अंदर से एक इंसान के निकलता है, ये वो इंसान करता है जिसने कोई जुर्म किया होता है। क्या हुआ, डरा दिया तुमने? जो जब आप बेगुनाह होते हो ना, तो आपके अंदर तो एक ईमान आ जाता है इस चीज का कि लो करके दिखाओ प्रूफ, उसको तो और ज्यादा फर्म हो जाता है इस बात पे, और ज्यादा उसके अंदर करी जा जाती है। पर इन्होंने तो उसको मेंटल केस कर दिया पकड़ के, उसको तो साइको कर दिया, साइको कर दिया इस बात पे। अब तुम कल मेरे घर जाओगे और मेरे मामा बाबा से अपोलोजाइज करोगे फॉर एवरीथिंग बैड दैट यू हैव डन टू मी। उसके अंदर से उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी वो खत्म ही कर दी, जीरो कर दी। कभी वो शादी पे हाँ कर देती है, कभी वो जबरदस्ती का के कहती हाँ मेरी शादी कर दो इसके साथ, कभी कह देती है कि मैं तो समझ नहीं आती। हाँ बिल्कुल, हालांकि घर ऐसे कर लो वैसे कर देती है, सब कहते ऐसे कर लो वैसे कर लेती है, जिसका दिल चाहता है उस पर चीख रहा है, जिसका दिल चाह रहा है उस पर चिल्ला रहा है, वो आगे से बुत बनी, मुँह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे। बस रुखसाना को बुलाओ। रुखसाना कौन है? रुखसाना तो मेंटल केस कर दिया पकड़ के, उसको तो साइको कर दिया, साइको कर दिया इस बात पे कि वो तो लड़की आके ऐसे उसके दिमागों में आती, कोई बात जरा सी होती है वो पीछे से आ जाती है। वो मशर ने देखा मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ये मेरी की बात है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, उसको भी पता है इस बात का। और देखो ना, मेरीन को इन चीज़ों का पता है कि वो तो मुझे शादी नापसंद करता है और वो तो शादी भी नहीं करना चाहता था, तो फिर उसके दिमाग में ये बात क्यों चल रही है चलने की? तुक ही नहीं बनती कोई। ये आईडिया सबसे बड़ी बोंगी है, ये बहुत बड़ी बोंगी, या तो राइटर ने बोंगी मारी है या फिर जिन्होंने ड्रामा बनाया उन्होंने बोंगी मार दी, मतलब प्रोड्यूसर है। बिल्कुल, मैं इतना अच्छा उसका बंद खाया, इतनी इंडिपेंडेंट, हमें इतनी खुशी हुई कि मतलब इतने बुरे हालात में भी घर में बिल्कुल, जहाँ पे उसको कोई पसंद नहीं करता और इस तरह से वह रह रही है, माँ भी नहीं उसके साथ, बाप भी नहीं है, कोई भी उसके साथ नहीं, उसके बावजूद वो इंडिपेंडेंट दिखाया उसको इतना, ठीक है, हर किसी से जो ना इतनी वो अपने कह रही है बिलों में से भी मेरा शेयर ले लो, और जो है ना अपनी मदर को भी आती है तो इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट का मुजाहरा वो करती है कि आप मेरे लिए फेवर ना किया करें, मैं अपने खर्चे खुद उठा सकती हूँ। इतनी पढ़ी लिखी है समझदार लड़की, इतनी कंफ्यूज नहीं हुआ करती, जो इंसान इतना जो ना जिंदगी को जिसने तलखियाँ देखी होती हैं जिंदगी की, उसके लिए जिंदगी बड़ी क्लियर होती है, ठीक है, उसे पता होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, तो वो बिल्कुल कहीं से मैच ही नहीं करती थी। या तो बिल्कुल ही ऐसी लड़की दिखा देते हैं जो जिस बेचारी को पढ़ने लिखने की इजाज़त ही ना मिल सकी, ठीक है, उसको इजाज़त ही ना मिल सकी और वो घर के अंदर ही रही और वो कॉम्प्लेक्सेस में रही, तो फिर तो समझ आती थी ये सारी हरकतें करते हुए। लेकिन अगर आप इतना उसको एजुकेटेड और इतना आपने इसको इंडिपेंडेंट आर्ट्स में कर दिया, हाँ, सब कुछ कर दिया, इतनी अच्छा उसको ये दिखाई थी सारी, तो फिर बसों में बैठ के वो निकल जाती थी कॉलेज, बसों के ऊपर बैठ जाती थी मतलब इसमें दिखाया गया था कि वो खातिर में लाती नहीं किसी चीज़ को, वो इतनी वो डरती नहीं, वो सख्तियाँ सहने की इतनी आदी हो गई है। तो ये इन्होंने क्या किया, पकड़ के इन्होंने करेक्टर का जो ना बस क्या ऊपर कर दिया। Thank you.